So hello guys, welcome back to the channel. This is Prateek and you are watching Bike Prateek. So guys, आज हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा पटना से दूर, आई थिंक 10-12 किलोमीटर यहाँ से होगा जो एरिया है संपाचक. बिकॉज मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी करवानी है बाइक का सर्विसिंग. सो गाइस, इसका फर्स्ट सर्विसिंग जो हुआ था ना, ये हुआ था हीरो का सर्विस सेंटर से. बट वहाँ पर उन्होंने बस क्या किया था कि इसका फर्स्ट फ्यूल जो होता है इंजन वाल सॉरी वो चेंज कर दिया था और कुछ खास इसमें हुआ नहीं था. सो गाइस, उतना ज़्यादा टर्न लेने के बाद काफ़ी टाइम लग गया और मुझे बहुत आगे से मुझे टर्न लेना पड़ा. सो अभी मैं आ गया हूँ अंदर वाले रोड में और यहाँ से अंदर ही अंदर जाएंगे हम लोग संपाचक की तरफ और यहाँ से लेते पहले पेट्रोल, बिकॉज काफ़ी दूर जाना है हमें और पेट्रोल लेना ज़रूरी है. सो लेट्स सी. 99 सो तेल हो गया डन और अभी चलते हैं. फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अभी गाइस, बिकॉज अभी यहाँ से एक्चुअली जो है कि हम लोगों को यहाँ से सीधे जाना है अभी. अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 6 मिनट बाकी. मैंने सोचा कि 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा बट अभी फाइनली अभी यहाँ पे बस 6 मिनट बाकी 1 बजने में. तो और यहाँ से रास्ता भी काफ़ी दूर है. सो अभी मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ रास्ता का, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ उस तरह से मैंने सिनेमैटिक्स बनाए हैं. आई थिंक मोटर ब्लॉगिंग गाइस इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग ऑन यूट्यूब टू डू. आप तो कुछ भी बना लो, आप घर से बनाते हो, आप अपने रूम में बैठ के बनाते हो, आपके पास परफेक्ट स्क्रिप्ट होता है और चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप एक जगह पे रह के करते हो और आपके पास हर चीज़ एक्सेसिबिलिटी जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप एक जगह से वीडियोस बनाते हो. मैंने इसलिए मोटो ब्लॉगिंग चूज़ करा कि मुझे ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है. बट मोटो ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, नेवर ईजी. अब मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये ईजी नहीं है. पहले तो आपको जब भी राइड पे या कहीं पे भी निकलोगे आपको पैसे लगने हैं, बिकॉज जो पेट्रोल आता है वो आपको डलाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है. और उसके बाद जो रोड पे बहुत सी चीज़ें होती है वो अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है. आपको यू नेवर नो मतलब कि कब आपको प्रॉब्लम मिले, कब कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका वीडियो वायरल हो जाए, यू नेवर नो अबाउट दैट. सो मोटर ब्लॉगिंग इज़ नॉट सो ईजी. और अभी आप चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा धूप है, बिकॉज अभी 1 बज रहा है और अभी तो फरवरी चल रहा है, जब ये मार्च अप्रैल मई जून तक जाएगा और फिर मैं वीडियोस बनाने के लिए निकलूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे कर पाऊँगा. सो इट विल बी सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू गाइस. तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं उस टाइम पे यहाँ से कहीं बाहर पहाड़ों में निकल सकूँ. अभी तो इस साल मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल है, बट होप फॉर द बेस्ट. कभी भी आपका वीडियो वायरल हो सकता है, हो सकता है यही वीडियो वायरल हो, किसी को नहीं पता होता. सो यूट्यूब यही है, आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा वीडियो वायरल हो जाएगा, यह आप रियलाइज़ नहीं कर सकते. पर मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में सोचता हूँ कि मेरा ये वीडियो वायरल होगा. इट्स ओके, लाइक अभी किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ. और चलो चलते हैं. सो गाइस, फाइनली वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन और ये रहा संपाचक. और
इस साइड में देखोगे यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी वगैरह का काम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आई थिंक मुझे एक घंटा के आसपास लगेगा गाड़ी को सर्विसिंग करवाने में। अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है और उसके बाद मैं सर्विसिंग स्टार्ट करवाऊँगा और हम लोग पहुँच गए हैं। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, finally we are back on our motor vlogging mode. और अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ काफ़ी जल्दी जल्दी बिकॉज मुझे मेरा क्लास है। और अभी मैं बताऊँगा आप लोग से शेयर करूँगा कि सर्विसिंग के बाद किस तरह से फील दे रहा है, बिकॉज फर्स्ट सर्विसिंग इसका एक्चुअल में अभी हुआ है। बिकॉज जो मैंने सर्विस सेंटर में करवाया था वहाँ पर तो केवल उन्होंने फ्यूल जो इंजन ऑयल होता है, बार बार मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, जो इंजन ऑयल होता है बस उसको चेंज करा था और उसके अलावा और कुछ नहीं चेंज हुआ था। और अभी एक्चुअली मैं काफ़ी अच्छे से पीछे वाला टायर वगैरह खोल कर अच्छे से उन्होंने चेन को अच्छे से क्लीन करा है डीजल से, और तब जाके मुझे जो फील बस आ रहा है ना वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज गाड़ी ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड लग रही है मुझे, और जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है वो काफ़ी फास्ट है, देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में, बिकॉज अभी मुझे घर जाना है जल्दी जल्दी। और ये था सर्विसिंग वीडियो। और तो किसी को भी एक्सपल्स से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो या फिर ऐसे जो कैमरा है जिसे मैं शूट करता हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।